साथियों, जय किसान में रवि आजाद। साथियों, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती पर हम उनको नमन करते हैं, उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं। और साथियों, जो धान खरीद को लेकर के और धान खरीद में लागू की गई नई शर्तों के खिलाफ और तत्काल खरीद शुरू करने को लेकर के जो पंजाब में आज सुबह 10 बजे से कांग्रेस के एमएलएज के आवासों का घेराव हुआ, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के एमपी एमएलएज के आवास और कार्यालयों का घेराव हुआ, उसकी ताकत के बदौलत आप सबकी जीत हुई है। और सरकार को लेटर जारी करना पड़ा है कि 3 तारीख से सरकारी खरीद शुरू होगी। मैं धन्यवाद दूंगा पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, कि उन्होंने अपने संगठन की ताकत पे, एकता की ताकत पे केंद्र की सरकार को और राज्यों की सरकार को मजबूर कर दिया, उनके घुटने टिकवा दिए, उनकी नाक रगड़वा दी और चंद घंटों में फैसला आपके हक में आया। हरियाणा की सरकार दिल्ली भागी, जो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे उनके चेहरे की हवाइयां उड़ा दी आपने। और साथियों, बहुत एकता के साथ, शांति के साथ, अनुशासन के साथ जो आपने आंदोलन चलाया, आज चौधरी छोटू राम जी स्वर्ग में बैठ करके भी हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे कि उनके बच्चों ने बोलना भी सीख लिया और दुश्मन को पहचानना भी सीख लिया और चंद घंटों में एक बड़ी जीत के लिए दोनों ही राज्यों के किसानों को बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। साथियों, कल से धान की खरीद शुरू हो रही है। सभी संगठन ध्यान रखें इस बात का कि कोई भी गड़बड़ खरीद में हो या किसान के साथ कहीं भी धोखा करने का काम किया जाए तो तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लें। सब नजर रखेंगे खरीद के ऊपर, संयुक्त किसान मोर्चा नजर रखेगा और कहीं भी गड़बड़ होगी तो फिर खट्टर सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, मोदी सरकार को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ में साथियों, अब 2 मुद्दे बड़े बचे हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें, एक तो जो फसलें खराब हुई हैं, खास करके जो कपास की फसल खराब हुई है, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, धान की फसलों में बड़ा नुकसान है, अन्य खरीफ की फसलों में बड़ा नुकसान है, महंगा प्रीमियम लेने के बावजूद अब तक क्रॉप कटिंग नहीं हुई है और मुआवजे का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार हरियाणा की खट्टर सरकार ने अब तक कोई चिट्ठी स्पेशल गिरदावरी की जारी नहीं की है, तो आज हम हरियाणा की खट्टर सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि आज धान खरीद का आंदोलन केवल एक ट्रेलर था। तुरंत प्रभाव से जो संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है, खराब फसलों का प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा और जो बीमित किसान है उनको बीमा दिया जाए, अन्यथा बड़े आंदोलन की तैयारियां पूरे हरियाणा भर में हो रही है और संयुक्त किसान मोर्चा बहुत जल्द बड़े आंदोलन का ऐलान करेगा। सरकार सुधर जाए, आज के ट्रेलर से सबक ले ले, नहीं तो फिर सरकार का कुर्सी पे रहना मुश्किल होगा, कुर्सी खींच ली जाएगी। इसी के साथ में साथियों, दूसरा मुद्दा, आधे हरियाणा का जो बाजरे की सरकारी खरीद बंद की गई है और 25% सरकारी खरीदी की बात की गई है, मंडियों को तोड़ने की, एमएसपी को खत्म करने की जो सरकार की योजना है, आज की अगर हम बात करें तो बाजरे का रेट कहीं 1100, कहीं 1200 और 1300 है और भावांतर भरपाई के 600 मिलाकर के भी आज के दिन भी 300 साढ़े 300 400 रुपए का नुकसान हो रहा है। जैसे ही आवक बढ़ेगी ये नुकसान का फासला और बढ़ेगा। और खट्टर जी, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें एमएसपी चाहिए। इसीलिए देश में एमएसपी के लीगल गारंटी कानून के लिए और 3 काले कानूनों की वापसी के लिए ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है। साथियों, सारे लोग आज बहुत सारी जगह बाजरा खरीद को लेकर के मीटिंगें की गई हैं, हरियाणा में ज्ञापन दिए गए हैं, प्रदर्शन किए गए हैं, उन सभी साथियों का भी बहुत धन्यवाद है और सबसे निवेदन है सब तैयारियां रखें। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बहुत जल्द खराब फसलों के मुआवजे और क्लेम को लेकर के और बाजरे की सरकारी खरीद को लेकर के एक एक दाना
एक एक दाना जो हुआ एमएसपी के ऊपर बेचेंगे। खट्टर जी और दुष्यंत जी कान खोल करके सुन लो जेपी दलाल जी। और इसी के साथ में साथियों, अभी 3 दिन के लिए पोर्टल खुला है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, क्योंकि 53% किसान हरियाणा का पोर्टल पर पंजीकरण अब तक नहीं करवा सका है और उसमें बाजरे का ऑप्शन हटा दिया गया है। वो ऑप्शन तुरंत जो है इसके अंदर डाला जाए, नहीं तो मुआवजा क्लेम और इसके साथ में बाजरे की सरकारी खरीद को लेकर के एक बड़े आंदोलन की घोषणा और बीजेपी के एमपी एमएलए का घेराव का कार्यक्रम जल्द संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से घोषित किया जाएगा। आज खट्टर सरकार ने और दुष्यंत चौटाला ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब इनको ठोकर खाने की आदत है, इनको ठोकर मारो और काम करवाओ। आज के लिए सबका धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।